आज जो हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, ये इंटरनेट कितना खतरनाक हो सकता है तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। वेल, इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, आज इंटरनेट का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है कि अगर इंटरनेट एक दिन के लिए बंद हो जाए तो लाइफ बर्बाद हो जाए, करोड़ रुपये का नुकसान होगा, कितने सारे चीज़ें रुक जाएंगी, ये सब चीज़ हम जानते हैं। पर मेजरली तुम्हें पता है इंटरनेट को लोग जिस तरह यूज़ कर रहे हैं, डे टू डे झड़ल्ले लाइफ में यूज़ हो रहा है, और ये इंटरनेट की वजह से क्राइम्स भी इंटरनेट पर बढ़ने लगे हैं, और ये इंटरनेट लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर दिया पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हुई इस इंटरनेट की वजह से। आज का जो स्टोरी है, एक लड़के को ओवर बेस्ड थे जो यूएस के फ्लोरिडा गांव में रहता था। ये जहाँ रहता था बहुत ज़्यादा सिटी से आइसोलेटेड एरिया था, और इस लड़के ने कभी भी किसी लड़की से कम्युनिकेट नहीं। आप सोच सकते हो कि जो बंदा लड़कियों से उतना कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं, तो मेनली वो लड़कियों से कनेक्ट होने के लिए फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये बंदा भी एक दिन इंस्टाग्राम ओपन करता है। जैसे ये इंस्टाग्राम को ओपन करता है, उसके सामने एक लड़की का प्रोफाइल शो होता है। वो लड़की को प्रोफाइल को देखने के चक्कर में वो बंदा जाता है, देखता है 4,000 से 5,000 फॉलोअर्स रहते हैं इंस्टाग्राम पर। तो वो बंदा वो सोचता है कि ये लड़की का जेन्युइन अकाउंट है। फ़ोटोज़ भी देखता है, फ़ोटोज़ देखने के बाद फ़ोटोज़ के नीचे काफ़ी सारे कमेंट भी हुआ करते थे। अब ये बंदा सोचता है कि ये अकाउंट एकदम जेन्युइन है, फ़ोटो भी देखता है, लड़की अट्रैक्टिव रहती है। तो हालांकि ये बंदा उसको DM कर डाल, DM करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो लड़की रिस्पॉन्स करती है, फिर ये दोनों में कनेक्टेड होने लगता है। तुम्हें पता है कि अगर कोई लड़का लड़कियों से दूर हो, ज़्यादा कनेक्टेड ना हो, अगर एक बाइक लड़की उससे अच्छे से बात करने लगे तो वो लड़का कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। सेम इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बंदा जब एक्साइटेड होने लगा, लड़की से जब कनेक्टेड होने लगा, तो वो बहुत सारे बातें करने लगे, और ये बंदा एक्साइटेड में इतना सारा आगे बढ़ गया एक दिन के अंदर कि वो बंदा कहने लगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और इसने एक बहुत बड़ी मेजर गलती कर दी कि उसको अपना नाम तो बताया, रियलिटी फ़ोन नंबर वगैरह भी शेयर किया, और प्लस की सबसे बड़ी गलती उसने अपने घर का एड्रेस दे रखा था उस लड़की को, आओ मेरे घर में, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यहीं से मेरी स्टोरी शुरू होने वाली है। तुम इंस्टाग्राम तो यूज़ करते हो, बट इंस्टाग्राम कभी कभी डार्क रियलिटी तुम्हें पता चला है? इंस्टाग्राम जो तुम यूज़ कर रहे हो, इसमें कितना सारा गलतियाँ तुम कर बैठते हो डे टू डे लाइफ में, जो तुम्हारे लाइफ को इतना ज़्यादा इफेक्ट करती है, वही इस वीडियो में है। तो वो बंदा उससे कनेक्ट होने लगता है, बातें करने लगता, बात ऐसे करते करते काफ़ी डीपली होती है, फिर बात घर तक आ जाती है कि हम चलो मीट करते हैं। वो बंदा अपना डिटेल्स वगैरह सब कुछ शेयर कर देता, तो उसके दिमाग में ठनक सोचती है कि भाई मैं चल के एक बार देखता हूँ, ये लड़की का मैंने 150 कमेंट्स देखे और इतने सारे फॉलोअर्स देखे, तो हालांकि क्या ये एक्चुअल में भी है कि नहीं? तुम्हें पता है कि इंस्टाग्राम में फेक फॉलोअर्स, फेक कमेंट्स तुम इजीली कर सकते हो, तो चांसेस ज़्यादा रहता है कि तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो जैसे ही वो बंदा जाकर उसके फॉलोअर्स को देखता है, जितने भी फॉलोअर्स हैं उस लड़की के सारे मेल्स रहते हैं, 5,000 फॉलोअर्स सारे के सारे मेल, एक भी सिंगल गर्ल नहीं रहती। वो देखता है तो उसके दिमाग में एक अलग सा थलबल मच जाता है, वो शॉक हो जाता है, इतने सारे फॉलोअर्स लड़के हैं तो मैंने समझ रहा हूँ फेक अकाउंट है ये। वो बंदा और ज़्यादा शॉक हो जाता है, और उसको ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये रहती है कि वो उसने अपना घर का एड्रेस उस लड़की को दे दिया था। अब देखो डार्क रियलिटी जो हो स्टार्ट होने वाली है, ये यहीं से स्टार्ट होगी। उसने क्या सोचा कि तुम्हें पता होगा कि इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन है रीसेंड का, तुम उसको जाते हो तो वो मैसेज जो ना रीसेंड हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली वो मैसेज डिलीट हो जाता है, जल्दी जल्दी करके सारे मैसेज को अनसेंड कर देता है। तो तुम्हें क्या लगता है, उसने तो अपने सारे चीज़ों को अनसेंड कर दिया, बट तुम्हें क्या लगता है कि एड्रेस और फ़ोन नंबर को अनसेंड किया होगा तो क्या उनके पास ये नंबर और उसका एड्रेस नहीं होगा? देखो ये से काफ़ी डरा, मुझे शॉक किया ये चीज़ें। मैंने पहले मेंशन कर दिया था कि वो गांव एरिया में रहता था, ज़्यादा घर वगैरह भी नहीं होते गांव साइड में, जैसे जंगल के आसपास घर बने होते हैं। तो इवनिंग टाइम में वो बंदा बहुत सारा डिस्टर्ब होकर एक चीज़ को सोचता रहता है। तो हालांकि रात हो जाती है, तो वो बंदा सोने जाता है, सोने टाइम भी उसको एक ही चीज़ बेचैन कर रही थी कि मैंने अपना नंबर और एड्रेस उस लड़की को दे दिया, हालांकि वो सही नहीं था, ने उस अकाउंट को ब्लॉक भी कर दिया था। उसके बाद भी उसके दिल में एक डर था, जैसे सोने गया तो घर के बेसमेंट के नीचे से कुछ अजीब व गरीब आवाज़ आने लगी,
वो बंदा उठ कर जाता है, देखता है जल्दी से बेसमेंट में तो कोई नहीं होता। कुछ देर बाद उसके दिलों में और डर बैठ जाता है क्योंकि वो घर में अकेला रहता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब वो सो रहा होता है पूरा ट्राई करने के बाद उसे नींद भी आनी शुरू होती है, तो उसके बेडरूम के डोर पे कोई आकर ठक 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 करता है। वो बंदा और ज़्यादा डर जाता है, तो उससे जैसे जैसे हिम्मत करके उठता है, दरवाज़ा को खोलता है, दो लड़के खड़े रहते हैं, उसका फेस नहीं दिखता है, तो वो उन दोनों को देख कर दौड़ कर भागता है आगे। जैसे ही भागने का ट्राई कर उसको कमर में काफ़ी चोट आती है और वो गिर जाता है, और गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह होती है, वो देखता अपने आप को कि कमर के साइड में उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई, बैंडेज वगैरह करता है, मेरे घर में कुछ तो चोरी नहीं हुआ। और एक तुम पता है कि ये शहर से काफ़ी दूर होता है इसका घर, तो इसके घर में उतने पैसे ज्वेलरीज वगैरह नहीं रहते हैं कि चोर कोई चोरी भी कर सके। उसके बाद पेरेंट्स और ग्रैंडपा भी उसके घर में आते हैं। घर में आने के बाद वो ये सब चीज़ों को उनको बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ, उससे कुछ भी नहीं हुआ था, 10 दिन 15 दिन होने लगा। 30 डेज के आसपास उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होना स्टार्ट होता है अपने कमर के साइड में, देखता है जिस जगह में उसको चोट लगी थी उसके अंदर से उसको पेन हो रहा था, तो वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को जाके बताता है, तो डॉक्टर एक चीज़ बताते हैं तो वो बंदा सॉफ्ट हो जाता है। और ये चीज़ सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। डॉक्टर कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो किडनी ही नहीं, विल बी इमेजिन वो बंदे के दिमाग में क्या ख्याल आया होगा कि भाई तुम जो सोच रहे हो यू आर राइट। जो बंदी के साथ वो कम्युनिकेट किया, हालांकि वो तो लड़की थी नहीं। सेकंड, जो गैंगस्टर रात में आए थे वो क्या थे, ह्यूमंस ऑर्गन लूपर, ये बड़े डेंजर। तो इससे तुम सोच सकते हो उस बंदे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, बट हालांकि उसके किडनी चली गई। किसकी बेस पर? इंटरनेट पे एक गलती की वजह से बंदे की किडनी चली गई। तुम कभी भी अपने पर्सनल चीज़ों को इंटरनेट पर शेयर ना करो। ये स्टोरी सुन के मेरी भी दहशत में दहशत फैल गया यार, कि लोग इतने ज़्यादा इस टाइप के भी चीज़ें कर रहे हैं। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी किया था इसको लेकर। पुलिस उनके बाद वो कुछ कहती हैं कि एज़ वेल हमें ऐसे गैंग की खबर मिली कि जो ह्यूमंस ऑर्गन की इलीगल सप्लाई करते हैं। तुम पता है ह्यूमंस ऑर्गन डार्क वेब का एक मोस्ट भी पावरफुल टॉपिक है, जहाँ पर डार्क वेब में बहुत सारे ह्यूमंस के पार्ट्स वगैरह डील किए जाते हैं। तुम्हें मैंने अगर तुम्हें पता नहीं हो तो मैंने वीडियो बना रखा है, तुम जाकर देख सकते हो। सेकंड स्टोरी पर हम शिफ्ट होते हैं, बेसिक लड़की के ऊपर। ये भी US में रहने वाली है, एक फ्रेंड रहता है जो व्हाइट हेड हैकर कहते हैं उस पर, ऐसे बहुत सारे इलीगल चीज़ें करता है। उस लड़की के अंदर क्रीपी चीज़ें साइकोपैथ, साइकोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा वो स्टडी करने में मैंने एक्साइटेड थी। तुम किस चीज़ के बारे में पता करते हो तो तुम्हें उस चीज़ को गेन करने में, उस चीज़ के बारे में जानने में बहुत एक्साइटेड रहता है। तो इस बंदी ने भी बहुत सारे मूवीज़ भी देख रखे थे, डिटेक्टिव टाइप की मूवीज़, कि साइकोपैथ किस टाइप के होते हैं। साइकोपैथ एक नॉर्मल इंसान जैसे सोचता है, साइकोपैथ एकदम उसका डिफरेंट सोचता है। अब क्या होता है, ये लड़की इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, इनको साइकोपैथ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। तो इसका जो व्हाइट हेड हैकर दोस्त था, उसने इसको एक लिंक प्रोवाइड किया था जो डार्क वेब का था। उसके दोस्त ने बताया था कि तुम जिस टाइप के कनेक्टेड चाहती हो, जिस टाइप के तुम पार्टनर्स चाहती हो, तुम जिस टॉपिक में डिस्कस करना चाहती हो, उसके उस टाइप के लोग इस लिंक में मिल जाएंगे तुम्हें। तो हालांकि तुम्हें पता है जो इस सब चीज़ों के बारे में जानता है तो उसे डार्क वेब के बारे में इजीली पता होगा। वो बंदी उस लिंक पर क्लिक करती है, वो एक चैट फॉरम में पहुंचती है। तुम्हें पता है डार्क वेब का चैट फॉरम सोच सकते हो हाई लेवल का। ये बंदी जैसे उस चैट पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद ये सबसे बड़ा मेजर गलती करती है कि अपना ओरिजिनल ईमेल से उसमें साइन अप कर लेती है। भाई ये डम रहते हैं, डार्क वेब पे जा रहे हो, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, तुम अपने ही ईमेल रख के आ रहे हो। भाई जो बंदे एनोनिमस होके बैठे हुए हैं, तुम अपना उसका इन्फॉर्मेशन देकर आओगे तो उसका मिसयूज़ तो करने का ही है। अब तुम्हें पता भी नहीं है कि सामने बंदा है कौन। बंदी साइनअप करती है, अब साइनअप करने के बाद काफ़ी अच्छा खासा वो चैट कर दी है, उसको मज़ा आता है कि वो जिस टाइप के लोग चाहती थी, जिस टाइप के पीपल से वो कनेक्ट होना चाहती थी, तो उसको वो उसी टाइप के लोग मिले थे, साइकोपैथ टाइप के। मैंने एक चीज़ बोला कि मैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग मुझे इस पर आकर DM करो। वो जैसे आईडी डालती है वो उस फॉरम से, उस चैट से किक हो जाती है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई मैंने मुझे किक क्यों किया गया। यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। वो किक होने के बाद
उसे बहुत गुस्सा आता, तो वो अपना टॉर ब्राउजर को बंद करके लाइक वो सोने चली जाती है। जैसे सुबह होता है, जब उठती है तो उसको फ़ोन को ओपन करने के बाद देखती है कि लाइक 1000+ उसको रिक्वेस्ट आ रखे थे सारी चीज़ें। लाइक वो शॉक्ड हो जाती है कि हाउ कैन इट, लाइक ये सब तुम सोच सकते हो। जैसे उस लड़की ने डार्क वेब पर इंस्टाग्राम को डाला, तुम्हें पता है कि इंस्टाग्राम पर हम मेजर गलती करते हैं, जब फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना अपने घर के आसपास का कहीं एड्रेस डाल रखा था। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है उसका लाइफ भाई बर्बाद होने का। अब उसको बहुत सारे स्टॉकर स्टॉक करते हैं, अगर चाहते तो इजिली डार्क वेब के जो यूज़र्स थे साइकोपैथ थे उसको हैक कर सकते थे। लाइक वो बहुत सारे अट्रैक्टिव लड़की भी थी, तो बट ऐसा ना होकर उसके साथ गेम खेला गया। जब एक लड़की ने अपना इंस्टाग्राम आईडी डार्क वेब के चैट फोरम पर डाला, तो वो चैट फोरम से हार्डली 4 से 5 लोग होते हैं, बट सुबह होते ही 1000+ रिक्वेस्ट आ रखे हैं, तो कितना ज़रा स्कैरी और क्रीपी हो सकता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको सोशल मीडिया पर तो स्टॉकर मिल ही रहते हैं, भी आने लगे रियल लाइफ। इसके घर के बाहर में भी बहुत सारे स्टॉकर घूमते थे रात तक, इसको दिखते थे बट ये घर में रिवील नहीं करती थी, क्योंकि अगर इसको घर में रिवील करने के बाद इसको अंडरग्राउंड कर देते लोग, इसके पेरेंट्स, तो ये घर में ना बताती कि भाई तुम्हारा एक गलती लाइक तुम्हारी लाइफ को चेंज करके रख देता है। लाइक रियल लाइफ में इंटरनेट पर भी तुम ऐसे गलतियाँ ना करो, फेसबुक चला रहे हो लाइक तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, ये सब चीज़ों तुम ध्यान रखो कि अपना जो पर्सनल डिटेल्स है ना कभी भी रियल मत डालो, और अपना जो फोटो वगैरह ना अपलोड ना करो तो बेटर है यार, कि तुम चाहते हो कि तुम लाइक एक शो ऑफ करो। ठीक है करो, अगर तुम्हें अपलोड करना ही है ना तो तुम ऐसे चीज़ों को अपलोड ना करो कि तुम्हारा आइडेंटिटी उससे पहचान जा सके, तो ये सब चीज़ों से तुम बच कर रहो। इंटरनेट पे जो चीज़ें तुम्हारा रिक्वायरमेंट है उसी को यूज़ करो, और ऐसा चीज़ें ना करो जिसमें तुम्हारा लाइफ में इफेक्ट हो यार। लाइक तुम पागलपंती क्यों करते हो इंटरनेट पे जाकर? लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमें नहीं करनी चाहिए, फिर भी हमें इंटरनेट पे कर देते हैं फ़न की वजह से, पर वो फ़न तुम्हारे लाइफ में एक ऐसा मेजर स्टॉपेज ला कर रख देता है ना कि तुम उससे आगे ना निकल पाते हो ना बढ़ पाते हो। सोचो उस लड़की के साथ क्या बीता होगा, लाइक रियल लाइफ में भी स्टॉकर आ रहे उसके घर के आसपास, पर एक चीज़ मेजर थी कि उसको कोई किसी ने लाइक उतना ज़्यादा ना डिस्टर्बेंस नहीं किया, मैंने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। अगर चाहते तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर पाते थे, वो लड़की मात्र 20 ईयर्स की थी। एक वो बंदा भाई एक गलती की वजह से अपना ऑर्गन्स गंवा बैठा, एक गलत कम्युनिकेशन से और एक गलत लिंक से लाइफ चेंज हो सकती है। डार्क वेब की चीज़ों से भाई दूर रहो, कि अगर तुम चाहते हो कि डार्क वेब को हम सर्व करें तो सबसे मेजर गलतियाँ तुम करने मत, क्योंकि जो डम रहते हैं ना जो स्टार्टिंग में डार्क वेब को विजिट करते हैं, डार्क वेब पर जाने का ट्राई भी करते हैं, तो वो अपने कुछ ऐसे गलतियाँ रख देते हैं ना जो लाइफ में बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आई थिंक तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करो। तुमने डार्क वेब का नाम सुन रखा होगा, पर डार्क वेब में क्या होता है? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के की जो लॉकडाउन के टाइम में सारे लड़के चिल मार रहे थे, बट ये बच्चा टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है कि ये खोज मोज करके डार्क वेब तक पहुंच जाता है। इसका स्टार्टिंग होता है यहाँ से, जब लॉकडाउन का टाइम होता है, ये बच्चा क्लास 12 में पढ़ रहा होता है, उसके बाद जैसे क्लास 12 होती नहीं है इसकी, बट उसके पेरेंट्स उसको लैपटॉप दिला देते हैं। अब ये लैपटॉप दिलाने के बाद इसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, लाइक तुम्हें क्रेज़ होता है कि जब तुम इंटरनेट को एक्सेस कर दो तो इंटरनेट एक्सेस करने टाइम तुम्हारे पास बहुत सारे अनगिनत वेबसाइट खुल जाती हैं, तुम्हारे पास एक अच्छा खासा रिसोर्स आ जाता है, क्योंकि तुम इंटरनेट एक ऐसा चीज़ है तुम घर बैठे लाइक वर्ल्ड देख सकते हो। ये क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वर्ल्ड कैसे देख सकते हो, आज तुम इंडिया में बैठे बैठे इंडिया के बाहर में जो चीज़ें हो रहा है लाइक उस सबके चीज़ों के बारे में जान सकते हो, बट ये बच्चे के अंदर भी कुछ ऐसे क्रिएटिविटी थी, तो इस बच्चे ने धीरे धीरे करके इंटरनेट के हर चीज़ को जानना शुरू किया, और इसने कहीं ना कहीं सुन रखा था कि डार्क वेब। अब तुम्हें पता है कि जब हम डार्क वेब को सुनते हैं तो हमारे अंदर चुल मच जाती है कि हम डार्क वेब को सर्व करें। डार्क वेब, व्हाट इज़ डार्क वेब, डार्क वेब पे क्या हो रहा है, वेल हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह भी ये बच्चा डार्क वेब को एक्सप्लोर करने के चक्कर में बहुत सारे लिंक्स वगैरह खोजता है, बट तुम्हें पता है कि डार्क वेब में जाना है तो एज वेल तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम डार्क वेब पे सर्च करके पहुंच सकते हो। डार्क वेब में जाना है तो बहुत सारी प्रोटोकॉल को तुम्हें लेकर चलना पड़ता है। वैसे ही प्रोटोकॉल सबसे पहला है कि तुम्हें एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए, टॉर ब्राउजर कहते हैं, यही डकडुक सपोर्ट करता है, इसकी वजह से हम डार्क वेब को एक्सेस कर पाते हैं एज वेल ईजी। फिर ये क्या होता है, ये बच्चा जैसे जैसे डार्क वेब को रिसर्च करता है इसे चीज़ें खुलनी शुरू होती है। डार्क वेब के ऐसे ऐसे डीपेस्ट
पोर्शन में चले जाते हो ना, उसके बाद वहाँ से आना तुम्हारे लिए एज वेल पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल बन जाता है। ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो मैं वीडियो में आगे बने रहो, पता चलेगा। वेल ये बच्चा ऐसे खोजते खोजते डार्क वेब के लिंक तक पहुँचता है, डार्क वेब का लिंक मिलती है, ये एंटर होता है। जैसे तुम्हें पता है डार्क वेब के लिंक पे आप क्लिक कर रहे हो, तो तुम्हें ये पता नहीं रहता उस लिंक के अंदर में होती क्या है। उसके सामने कुछ चैट फॉरम्स खुल जाते हैं, चैट फॉरम्स में बहुत अच्छी खासी डिस्कशन होती है। तुम्हें पता है कि डार्क वेब का चैट फॉरम मतलब कि एक्स्ट्रा लेवल का होगा, क्योंकि चैट फॉरम तुम कहोगे कि मेजरली क्या हम व्हाट्सएप और फेसबुक पर बात नहीं कर सकते, चैट क्यों करने का उस जगह पर जाकर, डार्क वेब में चैट फॉरम का क्या कॉन्सेप्ट है। वेल यहीं से तो स्टार्टिंग होती है डीपेस्ट एरिया पर। अगर तुम डार्क वेब के चैट फॉरम की बात कर रहे हो, वहाँ पर ऐसे ऐसे इलीगल चैट होती है, ऐसे ऐसे इलीगल बातें होती हैं, क्योंकि लोग किसी का भी कोई आइडेंटिटी नहीं जानते कि कुछ से कौन कनेक्ट हो रहा है, क्या नाम है, कोई किसी को नहीं पता रहता वो कहाँ का है। वेल तुम अगर जब अननोन पर्सन से बात कर रहे हो, वो तुम्हारे पास ओपिनियन रखता है, वेल उस टाइप का ओपिनियन जो तुमने लाइक नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता वो चीज़ें, वेल ऐसे ही होता है। ये लड़का भी देखता है चैट फॉरम में पहुँचने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और इसके पास एक लिंक पॉपअप शो होता है। अब उस लिंक पॉपअप पे ये क्लिक करता है रिमूव करने के चक्कर में, बट ये रिमूव ना होकर एक अलग फॉर्म में पहुंच जाता है, एक अलग बफरिंग होकर एक अलग वेबसाइट पे जम कर जाता है। उस वेबसाइट पर रेड रूम के कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र था, वहाँ पर ये था कि कुछ लोग ऑलरेडी होल्डेड है उस वेबसाइट पर, कुछ लोग ऑलरेडी होल्डेड है और कुछ गेम या कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है कि वेल ये हो क्या रहा है, क्या चीज़ स्टार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें पता है अगर तुम डार्क वेब के फॉरम पे जाकर लिंक्स पे क्लिक करके तुम रेड रूम में घुस जाते हो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं से तुम्हें एक वाइब आने लगती है कि वेल मैं रेड रूम के अंदर हूँ। वेल अब ये रेड रूम क्या होता है तुम्हें अगर नहीं पता तो तुम पुराने वीडियो जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वेल ये ऐसे ही करके ये सब चीज़ें देखता है, वहाँ पर ही रेड रूम का जो टाइमिंग रहता है वो स्टार्टिंग होता है। और अगर तुम रेड रूम के में एंटर करना चाहते हो तो तुम्हें बिटकॉइन में पे करना पड़ता है, उसके बाद तुम्हें मेंबरशिप मिलती है, उसके बाद तुम रेड रूम के जो वीडियोस अवेलेबल होते हैं उसमें तुम जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम पैसे वगैरह देते हो, उसके साथ ही वो कॉन्सेप्ट वो लोग स्टार्टिंग कर। वेल ये और एक वेबसाइट में जंप हो जाता है, जहाँ पर तुम्हें पता है कि डार्क वेब पर लिंक्स पर ना एक टू बफरिंग लिंक्स रहते हैं। अगर तुम कहीं से गलती से भी पहुँच जाते हो ना लिंक्स पर, लिंक तुम बफरिंग होते चले जाते हो। वेल ये ऐसे करके बफरिंग होकर एक और पेज में पहुंच जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस डार्क वेब पर अवेलेबल थी, जहाँ पर डार्क वेब के कुछ ऐसे लाइक रेड रूम का, डार्क वेब के अंदर रेड रूम का जो कॉन्सेप्ट है लाइक मर्डर और ऐसे डिस्टर्बिंग चीज जो वेल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। ये अपने आर्टिकल्स में मेंशन करता है कि मैं उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मुझे थोड़ा मोड़ा आइडियाज़ था ये सब चीज़ों के बारे में, तो मैं जैसे तैसे करके ट्रॉल ब्राउज़र को बंद कर रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे डिस्टर्बेंस चीज़ देख लिया था कि लाइफ में मैंने कभी देख नहीं रखा था उस टाइप का डिस्टर्बेंस चीज़ें। वेल ये बाहर निकलता है, बाहर निकलने में बहुत ट्राई करता, तो तुम पता कभी किधर क्या होता ना कि तुम एग्जिट करना भी चाहो ना तो एग्जिट नहीं हो पाते हो, क्योंकि जो वेबसाइट वो रन कर रहा है, जिसके पास उसको ऑनरशिप है, वो ना कभी कदर नहीं निकलने देता उस वेबसाइट से। वेल तुम अगर अच्छा सा अगर वो रेफरेंस दूँ तो तुम अगर कोई इडल वेबसाइट में घुसते हो तो तुम क्या करते हो ना, उस वेबसाइट से निकलना चाहते हो ना, फिर और एक वेबसाइट खुल जाती है, तुम निकलना चाहते हो और एक वेबसाइट खुल जाती है, तो डायरेक्ट कट टू कट करते हो, उसके बाद वो वेबसाइट से तुम निकल पाते हो। तो ये बंदा भी बड़ा डिस्टर्ब होने के बाद ये वेबसाइट से निकलता है। दिनों में इसका मेंटेलिटी हालत इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता ना कि ना ये सही से खा पाता है, ना सही से कुछ कर पाता है। क्या हुआ था उसके साथ डार्क वेब पर जाने के बाद, उसके साथ वो बंदे के साथ क्या हुआ था। वेल हम डार्क वेब पर बात करते हैं, वेल तुम्हें पता नहीं कि डार्क वेब कितना खतरनाक चीज़ है। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम डार्क वेब को सर्व करते हो उसके बाद तुम डार्क वेब से बाहर नहीं आ सकते। वेल वो राइट कहते हैं, क्योंकि डार्क वेब के ऐसे ऐसे चीज़ें तुम देख लेते हो ना तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम डार्क वेब पर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आर्टिकल्स को पढ़ रहा था, वेल मैं हिल गया। अभी क्या होता ना, मेजरली गलती हम क्या करते हैं, लाइक तुम्हें डार्क वेब के बारे में सुन रखा है, अब डार्क वेब को हमें सर्व करना है, डार्क वेब को सर्व करने के चक्कर में तुम ऐसे चीज़ें कर देते हो ना जो तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तुमने कहीं ना कहीं से सुन रखा है कि भाई यहाँ डार्क वेब में पहुँचने के लिए लाइक फ्री लिंक्स भी मिलते हैं, ऑनियन लिंक्स भी मिलते हैं, तुम जाकर वहाँ लिंक्स लेकर आके लाइक अंडर जाते हो, तुम्हें पता नहीं रहता कुछ लिंक्स के अंदर में क्या है, बट वहीं से कहीं ना कहीं तुम्हारा लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो मैं बताऊँ कि तुम डार्क वेब से दूर रहो, अगर तुम्हें डार्क वेब के बारे में जानना है, वेल जो एक्सपर्ट है डार्क वेब को ऑलरेडी सर्व कर रखे हैं तो उनसे से चीज़ें जान सकते हो। वेल हमारे इंडिया में डार्क वेब यूज़ करना इलीगल नहीं है, मैं बता दूँ डार्क वेब यूज़ कर सकते हो इस लीगली, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट भी डार्क वेब को यूज़ करती है अपना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए।
दूसरे स्टोरी में हम ये स्टोरी बेस्ड एक लड़की के ऊपर जो जापान से यूएस आई थी ओनली स्टडी के लिए, बट इसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि तुम सोच नहीं सकते हो। इसने एक छोटा सा फ्लैट ले रखा था आउटसाइड एरिया में। ये जब शिफ्ट होती है, शिफ्ट होने टाइम सारे के सारे फ्लैट बुक हो रखे थे। तो ये लड़की जाके उस फ्लैट में जाती है, उसका छोटा सा सिंपल सा कमरा था, और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान देना, वो फ्लैट सारा बुक हो गया था पहले से, उसमें एक भी सिंगल गर्ल नहीं थी। ये लड़की जाती है, ये सिंगल गर्ल रहती है फ्लैट का। नॉर्मली तुम्हें पता है फ्लैट में एक नॉर्मली वाईफाई लगा रहता है, तो उसका भी एक नॉर्मली वाईफाई लगा था, तो वो भी उससे कनेक्ट होती है। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम वाईफाई यूज़ कर रहे हो, वाईफाई यूज़ करने कितना हार्मफुल है तुम्हें पता चलेगा इस चीज़ से। वो लड़की कुछ दिन तक स्मूथली लाइफ चल रहा था, उसके बाद वो क्या करती थी ना, अपने लैपटॉप में कुछ काम करती थी, लैपटॉप था उसके पास, तो वो अपने लैपटॉप में नॉर्मली सिंपल थी, उससे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। तो नॉर्मली एक दिन काम कर रही होती है, उसके सामने एक पॉपअप शो होता है, उस पॉपअप में लिखा रहता है तुम जिस ब्राउज़र को यूज़ कर रही हो वो ब्राउज़र तुम्हारे लिए सेफली नहीं है, इस ब्राउज़र को तुम डाउनलोड कर लो वो तुम्हारे लिए सेफली नहीं है। ब्राउज़र को डाउनलोड कर देती है, जैसे डाउनलोड पर क्लिक करती है वो ब्राउज़र हट जाता है। उसको सोचता कि नॉर्मल पॉपअप्स था, हट गया होगा या समथिंग, तो वो छोड़ के अपने कॉलेज चले जाते। फिर कॉलेज से जब लौटती है शाम के वक्त, तो देखती है उसके पीसी में ऑटोमेटिकली वो ब्राउज़र डाउनलोड हो रखा होगा। तो उसने सोचा कि मैं जब चली गई थी उस टाइम ये बैकग्राउंड में जाकर डाउनलोड हो गया होगा। बट तुम्हें पता है एज ये चीज़ें इतनी भी नॉर्मल नहीं होती है जो वो सोच रही थी। तुम्हें पता है कि जब वो ब्राउज़र उसके में डाउन है, यहीं से उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होते, टॉर ब्राउज़र को यूज़ करने लगती है। अब जैसे ही टॉर ब्राउज़र को यूज़ करते करते वो कुछ दिन बाद एक पॉपअप शो होता है, पॉपअप में कुछ नहीं होता, पेज भी नहीं ओपन होता, कुछ भी नहीं होता, वो सोचती है कि चलो नॉर्मली चल रहा है हर चीज़। अब क्या होता है, कुछ दिन तक वो ये सब सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रही थी, बट ये सब चीज़ें जो उनके लैपटॉप में ये जो टॉर ब्राउज़र आया, ये पॉपअप शो हो रहे थे, ये थे मेजरली उसके वाईफाई कनेक्शन की वजह से, जो पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रही थी। उसको मैंने पहले मेंशन कर रखा था, वो जहाँ रहने गई थी उस फ्लैट में एक भी लड़की नहीं रहती थी एज वेल इसके सिवाय। ये लड़की जब वहाँ फ्लैट में शिफ्ट होती है, तो वहाँ का एक लड़का जो उसके फोर्थ फ्लोर में रहता था, उसने इसके कंप्यूटर को, इसके लैप को, इसके वाईफाई के ज़रिए हैक कर लिया था। अब क्या होता है, जैसे ही उसके हैक करने के बाद वो पॉपअप जो शो कर रहा था, वो पॉपअप था इसका रिमोट कंट्रोल। तुम्हें पता है कि अगर तुम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करके अपने फ़ोन में कुछ ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, बंदा उसका ओनर है, वो तुम्हारे लैपटॉप या फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है, तो उसके साथ भी ऐसे ही होता है। अब क्या होता है कि उसका फुल्ली इंफॉर्मेशन, फुल्ली ये जो कर रही एक्टिविटीज़, वो उसको मॉनिटर करता, उसके वेबकैम से उसको देखता कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है। यहाँ पर ये नहीं कि ओनली देखता, उसकी वीडियोज़ को भी रिकॉर्ड करता। अब क्या होता है कि डे टू डे लाइफ चलती रहती है। अब एक दिन क्या होता है कि वो नॉर्मली अपने लैपटॉप को यूज़ कर रही थी, उसके सामने और एक पॉपअप शो होता है। अब वो पॉपअप पे शो क्लिक करती है, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट अब लिंक पे क्लिक करने के बाद वो कुछ ऐसा देखती है जो सॉफ्ट हो जाती है, आँख खुली की खुली रह जाती है उस लड़की की। तुम्हें पता है कि वो लड़की एक सिंपल सी लड़की थी, उसके बारे में कुछ भी उसको नॉलेज नहीं था, बट उसके साथ में जो उसके फ्लोर में रहता था, फोर्थ फ्लोर में लड़का, उसने जो किया उसके साथ, जैसे वो लिंक पर क्लिक करके देखती है वो सॉफ्ट हो जाती है। पता है तुम्हें उस लिंक पर रहता क्या, वो लड़की जो जो एक्टिविटीज़ कर रही थी, वॉशरूम से निकल रही थी, या सारे जितनी भी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रही थी, सारे के सारे वीडियोस डार्क वेब पर लीक हुए पड़े थे, और वो बिटकॉइंस में बिक रहे थे। तुम्हें पता है कि जब हम YouTube को यूज़ कर रहे हैं अभी, तो YouTube यूज़ करने से वीडियो प्ले ऑटोमेटिकली थोड़ा सा प्ले हो जाता है वीडियो, उस तरह का भी उसके सामने वो वीडियो प्ले होने लगा, वो समझ गया कि उसका खुद का ही वो वीडियो है। तो लड़की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई, 10 मिनट तक वो बैठ ही रही, बैठने के बाद वो बाहर जाती है, बाहर जाने के बाद कुछ सोचती है, फिर अंदर आती है, अंदर आने के बाद उसको पता चल गया था कि जो बंदा ये सब चीज़ें कर रहा है वो अभी भी मुझे मॉनिटर कर रहा है, अभी मुझे देख रहा है। वो क्या होता है कि जैसे वो अपने कपड़े के थ्रू से, अपने ओढ़ने के थ्रू से पंखे में एक रस्सी बांधती है और लैपटॉप को अच्छे तरीके से रख देती है कि जो बंदा देख रहा है अभी भी उसको देख सके। वो क्या करती है, वो अपने आप को कमिट टू सुसाइड। तुम सोच सकते हो कि एक पब्लिक वाईफाई की वजह से एक लड़की ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। तुम सोच सकते हो वो बंदा जो ये सब चीज़ें किया, ऐसे साइकोपैथ, मुझे लगता है कि ये भाई ये किस टाइप के लोग हैं। एक लड़की के लाइफ को बर्बाद तो किया, अब उसको डेथ तक भी पहुंचा दिया उस बंदे ने। तो तुम सोच सकते हो इंटरनेट इतना खतरनाक है। मैं बोल दूं भाई, वो बंदा जो था जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, वो ऑफ कोर्स ये बात है डार्क वेब का यूज़र है,
और डार्क वेब को रैंडमली कभी कभार यूज़ करता है, तो डिप्रेशन में चला गया था। बट उसके बाद वो निकला, फिर उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसको मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और उसके साथ क्या हुआ था जो इतना ज़्यादा वो डिप्रेस हो गया था, इतना ज़्यादा वो सॉफ्ट हो गया था। तो भाई बात है कि वो डार्क वेब का यूज़र है और वो डार्क वेब को नॉर्मली यूज़ कर रहा था, सर्व कर रहा था। फिर क्या हुआ कि जब वो यूज़ करते करते एक फॉरम में पहुँचता है, जहाँ पर चैट फॉरम में पहुँचता है, तो रैंडमली स्ट्रेंजर वहाँ बातें कर रहे थे, तो ये भी जाकर उसमें शामिल होकर बात करने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि एक बंदे से इसके अच्छा कम्युनिकेट हो जाता है, अच्छे बात होने लगती है। तो वो क्या करता है कि इसको एक लिंक प्रोवाइड करता है, बताता कि ये डार्क वेब का एक लिंक है। तो इसने क्या बता दिया था कि मैं हाँ एक्सप्लोरर हूँ, मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ हर चीज़ को। तो वो जो बंदे थे उन्होंने इसे लिंक दिया और ये बहुत खुश था कि भाई हाँ चलो डार्क वेब की ऑनलाइन वेबसाइट मुझे मिली है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इसे कॉन्टेंट चाहिए थी, तो ये उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो लिंक पर वो रात में जाता है, जब वो सर्फ कर रहा था नॉर्मली, तो उसे लिंक मिला तो वो सेव करके रख लिया था कि मैं हाँ इस पर जाऊँगा और पता करूँगा इसके बारे में। तो वो बंदा सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा है, जब उसे वो लिंक मिलती है तो वो उसे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत, उसे फाइंड करने के लिए उसके अंदर में क्या, उसको जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। फिर रात में उसे वो ओपन करता है, उस लिंक के अंदर जाता है। उसके लिंक के अंदर जाने के बाद उसे कुछ ऐसा देखने मिलता है कि जो अनएक्सपेक्टेड था। वो देखता है कि एक फॉरम खुल जाता है, चैट रूम का फॉरम, जहाँ पर रैंडमली स्ट्रेंजर बात कर रहे होते हैं। तो बातें, आपको पता है डार्क वेब में बातें होती है तो भाई नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती है, ऑफकोर्स सी बात है। तो वहाँ पर उसे क्या मिलता है कि एक पार्टनर मिलता है, ये बात करते रहता है, तो एक लड़की से ट्रोल करती है, उसे मैसेज करती है, तो उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि जब वो दोनों बात करना शुरू करते हैं, बात करते करते बात इतनी ज़्यादा तक लेवल में पहुँच जाती है कि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से बातें करने लगते हैं और वो डार्क वेब के बारे में अच्छे से एक्सप्लोर करके दोनों बात करने लगते हैं। फिर धीरे 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 बात अच्छा खासा टाइम चलता है। तो ये क्या करता है, जब अच्छी बॉन्डिंग बनती है उसके बाद वो नंबर दे देता है अपना, जो ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती थी उसकी कि उसे वो काम नहीं करना चाहिए, बाद में वो बहुत पछता रहा था। वो नंबर देने के पीछे वो रीज़न था कि वो लड़की ने अपना इंस्टा आईडी उसे शेयर किया था और वो जब फ़ोटो देखता है इंस्टा में तो ऑफकोर्स ये बात है लड़की अच्छी रहती देखने में। ये लोग व्हाट्सएप में बात करते हैं अच्छे खासे, रात में पूरा अच्छा खासा बात करते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, ये खुश हो जाता है कि मेरे को कोई बंदी मिल गई। मैं समझ सकते हो कि डार्क वेब का यूज़र है, अगर इससे कोई बंदी मिल जाती है तो ये दोनों मिलकर एक्सप्लोर करेंगे, ये दोनों मिलकर डार्क वेब को सर्च करेंगे, अच्छा खासा मैंने इनको नॉलेज मिलता है, गैदरिंग में हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे बात करता है। उसके बाद क्या होता है कि अचानक उसका कॉल कट जाता है, अचानक कॉल कट जाता है तो ये शॉक्ड हो जाता है और ये मैसेज वगैरह करता है तो फिर उसे उधर कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर दो दिन बाद क्या होता है, ऑफकोर्स वो बात में वो मैसेज का रिप्लाई करती है और एक कॉल करती है, कॉल करने के बाद रोना शुरू करती है वो। तो ये कितना ज़रा वियर्ड है कि दो दिन बाद वो लड़की फ़ोन कर रही है और रोना शुरू कर रही है, रो रही है, बस रोई जा रही है, रोई जा रही है। फिर उसके बाद अचानक कॉल कट हो जाता है, कुछ बोलती नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये कॉल कट होता है उसके बाद इसके पास अनहाइड तरीका से मैसेज आता है कि तुमने उसे रुलाया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ा शॉक्ड हो जाता है कि ये कौन है जो मुझे कह रहा है, बहुत ज़्यादा डीपली हो जाता है। तो वो डर जाता बहुत ज़्यादा कि ये कौन है जो मैंने इसके ऐसे ऐसे मेल आने लगते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज आने लगते हैं कि तुमने उसे उस बच्चे उस लड़की को रुलाया, तुमने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। उसके बाद ये क्या करता है कि फिर जाने की कोशिश करता है उस जगह पर जहाँ से उसे बात हो रही थी, तो वहाँ कुछ क्लू नहीं मिलता है। तो ये डर के अपने से लैपटॉप वगैरह सिस्टम वगैरह बंद कर देता है, उसके बाद अपना लैपटॉप वेबकैम पर टेप लगा देता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाता है केस। फिर क्या होता है कि धीरे 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 करके ये जब कुछ टाइम को माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि उससे ऐसा सिचुएशन में वो फंस गया था, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसा मैसेज आ रहा है कि उन्होंने इसका आईपी चला गया था, उनके पास उसका नंबर भी था तो वो इन्हें फाइंड कर सकते थे। तो ऑफकोर्स ये बात है उसका लोकेशन वगैरह सब चला गया था उनके पास, जो कह रहे थे कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ऑफकोर्स ये बात है कुछ दिनों के बाद ऐसा कुछ हुआ उसके साथ कि जो बहुत ज़्यादा वियर्ड था। उसके बाद ये इतना डेंजर चीज़ हुआ जो वो गलती मान लिया, उसके बाद से वो डार्क वेब पर ऐसे गलती करने से बच गया। उसके बाद वो डार्क वेब की कोई ऐसी मिस्ट्री ऐसा मिस्टेक नहीं करता जहाँ पर अपना नंबर वगैरह पर्सनल डिटेल्स वगैरह शेयर करता है। तो वो बंदा अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ है। तो ये सोच सकते हो कितना ज़्यादा अनहाइट तरीका होगा, कितना ख़तरनाक उस मोमेंट होगा कि भाई उसके साथ ऐसा हुआ कि वो जब एक लड़की से बात कर रहा था उसको उसके बारे में सिर्फ पता था, वो तीसरा बंदा उसमें कोई नहीं था, बट जब वो लड़की रो रही थी अचानक बताओ कि लड़की क्यों रो रही थी, आई हैव नो आइडिया क्या हुआ था उसके साथ। तो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा मुझे। तो ये स्टोरी अगर आप समझते
तो बहुत ज़्यादा डीपली अगर आपके साथ होता कुछ, तो मैं जितना एक्सप्लेन करने का था मैं एक्सप्लेन कर दिया। तो ये डार्क वेब में आप मत जाओ, क्योंकि डार्क वेब में कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग के लेवल के नहीं होती, परे रहती है आपके दिमाग से। क्योंकि डार्क वेब बहुत ख़तरनाक जगह है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल बंदे को एंट्री नहीं है, क्योंकि डार्क वेब में नॉर्मल बंदे जा नहीं सकते, और जाएंगे तो हैक हो जाएंगे। तो इसलिए डार्क वेब वगैरह से बच करो, और ऐसी हिस्ट्री वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट में कैसा लगा वीडियो। तो आई होप अच्छा पसंद आया होगा। जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मस्त मस्त ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ तुम्हारे साथ अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। टॉपिक लेसी है, बाय, थैंक यू।